हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अकेडमी स्टूडियोज करेक्ट फाउंडेशन एन टी सी सो वी आर लाइव गाइज जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ सर्कुलेट कर देता हूँ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ एंड देन वी विल मूव लाइव तो वेलकम 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 जुड़ जाओ इकट्ठे हो जाओ आज के जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हाय आदित्य जैन आदित्य जैन नया बच्चा नहीं पुराना बच्चा पता नहीं हाय वीर आदित्य पटेल हाय आदर्श गिल हाय संगीत ठीक है तो जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है वेलकम टू एन अकेडमी स्टूडियोज लाइट्स करेक्ट फाउंडेशन एन एन टी सी गाइज ये जो सेशन है इसके बारे में जो है और बातें करेंगे सर हमको एन टी सी का कॉम्पैक्ट स्टडी मटेरियल चाहिए अब यार माँ काली बेटा यार वो कॉम्पैक्ट स्टडी मटेरियल तो खुद से बनाया जाता है अब ये कॉम्पैक्ट स्टडी मटेरियल जो है हमारे पास तो ऐसे मेरे पास तो इंडिविजुअली कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं जो है जो कॉम्पैक्ट है ठीक है जो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ इस क्रैश कोर्स से बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से बहुत फास्ट फास्ट तरीके से हम आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ये कॉम्पैक्ट तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है मैं आ गया सक्षम वेरी गुड बेटा चैट बॉक्स को विराम देते हुए लेक्चर स्टार्ट <laughs> बिल्कुल सही बात है ज आई एनरोल फॉर एन टी एस सी न्यूक्लियस दोनों की अच्छी है यार, कहीं भी एनरोल कर सकता है बेटा बायो सर्वर लॉ पंजाब केन टी एस सी में आता है नहीं आता ठीक है सर स्टडी मटेरियल एन टी एस सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन नॉट गटिव क्वेश्चन सोल्यून सोल्यूशन नहीं है गिवन ठीक है आंसर की गिवन है आंसर की से जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हैं ठीक है तो उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ वाले वो थोड़े से जो है नीचे एनटीएससी के जो है एवरेज लेवल के क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो उससे डिफिकल्ट आई आई टी वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले एनटीएससी में तो आप जरूर उनको प्रैक्टिस करो अगर आप मेरे लेक्चर समझोगे तो उन्हें कर पाओगे क्रैक कर पाओगे क्वेश्चन को महाराष्ट्र एनटीएससी रजिस्ट्रेशन बेटा अगर तुम लोग को फॉर्म किसी भी एनटीएससी का मिलता है किसी भी स्टेट का तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो ठीक है या आपको पता चले तो आप मुझे बता देना मुझे पता चलेगा पहले तो मैं आपको बता दूंगा मेरे को दो स्टेट का पता चला था त्रिपुरा का छत्तीसगढ़ का मैंने आप लोग के सामने फॉर्म को जो है सर्कुलेट कर दिया बांट दिया यार ठीक है सर स्टडी मटेरियल के पीवाई क्यू इलेक्ट्रिसिटी कर लिए मैंने वेरी गुड बेटा अक्षर ठीक है बाकी चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल जैसे जैसे जो जो भी चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा साथ साथ में स्टडी मटेरियल देता जाऊंगा आज जो है इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा और कल जो है आपको मैग्नेटिज्म का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो पढ़ाऊंगा उसका स्टडी मटेरियल साथ साथ में देता जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा ठीक है हाउ टू इन्फॉर्म यू ठीक है सेशन में आके बिल्कुल बता सकते हो मुझे सर एन तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन जैसे ही आएगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा बाकी जब तक मैंने चेक कराया मुझे तो नहीं दिखा भी तमिलनाडु का सर आपने एसओई का होमवर्क दिया है कहा नहीं दिया बेटा सोर्स ऑफ तो एनर्जी तो का कोई होमवर्क नहीं दिया मैंने ठीक है चलिए लेस लेस स्टार्ट दी सेशन सारी बातें अपन ने कर ली है यहाँ पे तो गाइज ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आज मैंने जो बच्चे जो है आई जी प्रिपरेशन कर रहे हैं इट्स इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने सोनोमीटर का कॉन्सेप्ट आज खत्म कर दिया है यहां पर सोनोमीटर एक बहुत काम का कॉन्सेप्ट है कल ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप खत्म कर दूंगा ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ठीक है एंड इसके साथ कल जो है ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा चैप्टर साउंड कल समाप्त हो जाएगा कल है थर्सडे फ्राइडे के दिन को जो है हम फ्राइडे के दिन जो है हम सर्कुलर मोशन यहां पर स्टार्ट करेंगे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा हूं सोर्सेज ऑफ एनर्जी गाइस आज जो है हाइड्रोल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी हाइड्रो एंड टाइडल बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ही है इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन से ठीक है ये वाली क्लास जो है बेटा यार इसका जो है टाइम चूज मुझे इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा ये ढंग से जो है हो नहीं पा रही है अभी बहुत टाइम से विराम लगी बाकी सब चीजें जो है फ्लो में चल रही है ये इस पर विराम लगा हुआ है वी विल विल लाइक डू समथिंग कि इसे एडजस्ट करें फ्यूचर के लिए अन्य प्लस प्लेटफॉर्म पे जो मेरी क्लासेस चल रही हैं अभी इसके अंदर हीट के अंदर मैं अब आपको कंडक्शन पढ़ाऊंगा कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ाऊंगा इस तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा कंडक्शन का ही स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन भी आपको कराया जाएगा ये ऐसा कोर्स है के प्लस प्लेटफॉर्म पे जहां विद स्टडी मटेरियल एंड विद डाउट सॉल्विंग सेशंस में आपको पढ़ाता हूं इसमें अपने आप को एनरोल करने के लिए आर ए लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल करें टेन परसेंट फी आपकी रिड्यूस होगी हर कोड पे होती है इस पर भी होगी ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते एन टी क्रैश कोर्स आप लोगों की वजह से आप लोगों की इच्छा के अनुसार आप लोग को क्रैश कोर्स बच्चों प्रदान कर रहा हूं एंड थाउजेंड एन टी जो सीरीज है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करा रहा हूं जी हां आज रात को ये जो सेशन है नौ बज के पांच मिनट पर लगाया गया है तो ये क्लास से नौ बजे फ्री पांच मिनट बाद तुमको डायरेक्टली वहां पर मैं मिल जाऊंगा एंड आप लोग की हेल्प के लिए सुबह से लेकर रात तक इस तरह से अवेलेबल रहते हैं कुछ बच्चे देखो यार मुझसे चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहूं तो यार मैं आपको बता देता हूं मैं इन दोनों को एक्सेस बहुत रेयरली करता हूं बहुत रेयरली करता हूं अगर आपको गलती से भी कहीं से नंबर या कुछ मिल भी जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यार मैं अपनी फ्रिक्वेंसी पर रेस्पॉन्ड कर पाऊंगा मैं रेगुलरली बहुत सारे बच्चे में देखता हूं प्लीज रेस्पॉन्ड प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहते हैं समझो इस बात को ठीक है मैं तुम्हारी भावनाओं की जो है कद्र करता हूं बट इस बात की भी कद्र करो कि मैं तो इन क्लासेस में बिजी हूँ मैं इनका कंटेंट बनाने में बिजी हूं मैं फोन एंड टेलीग्राम रेयरली यूज करता हूँ तो अगर आप कोई मैसेज करें तो तसल्ली रखें जब भी मैसेज आना होगा रिप्लाई तब जरूर आ जाएगा टेंशन मत लो पढ़ते चलो मस्त अपने ठीक है 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 तो ये जो है, ये जो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई गाइस ट्रैकर जो है न, ट्रैकर ना को जरूर इस्तेमाल करो इसके अंदर क्रैश कोर्स के चारों लेक्चर की पी मैंने अपलोड कर दिए हैं एंड इसके अलावा कल उसके अंदर मैग्नेटिज्म की थ्योरी भी अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है तो देखो इस तरह से आपको सारी चीजें ये जो मैंने एन के जो है पीवाई क्यू चालू करें हैं ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी साथ साथ में आपको प्लस प्लेटफॉर्म के सारा कोर्स जो है इसका पूरा सिक्वेंसिंग कैसे पढ़ना है क्या टॉपिक्स है सारी चीजें ट्रैकर में अवेलेबल है ट्रैकर को कैसे एक्सेस कर सकते हो राहुल पंचोली सर कोर्स गाइड ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर मेरी कोर्स गाइड जो है यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन है सो प्लीज यूज दैट आप लोग के बेनिफिट के लिए बनाई है बच्चों फाउंडेशन एंड एनटीएससी टी प्लेटफॉर्म का जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो इंडिया के टॉप एडुकेटर से आप अपनी लाइव प्रिपरेशन कर सकते हैं जुड़ के ठीक है आप लोग के लिए जो है है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया डाउट सॉल्विंग सेशंस रखे गए हर चौथी क्लास अन होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल मिले जिससे टीचर डिस्कशन भी करे ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो ऐसा नहीं ठीक है एंड इसके अलावा जो है आपके डाउट भी सॉल्व किए जाए जो सब चीजें प्लस प्लेटफॉर्म पर हम कर रहे हैं आप लोग के लिए लर्निंग एप के जरिए आप प्रिपरेशन बच्चों रख सकते हैं मोबाइल जो है लैपटॉप जो है डेस्कटॉप जो है कहीं से भी प्रिपरेशन आपकी बहुत आसानी से हो जाती है इक्कीस दो साल की फी है सत्रह हजार पांच सौ एक साल की फी है बेनिफिशियल यही है कि अगर आपको है इस तरह से दिख भी रहा है ना कि यार मैं नवंबर मंथ में बैठा हूं अक्टूबर मंथ में बैठा हूं एंड मुझे अगले एक, एक साल की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत ही नॉमिनल सा फी डिफरेंस है आप ट्राई कीजिए कि आप दो साल के सब्सक्रिप्शन पे जाएं बट फिर भी अगर कोई बच्चा जो है इस तरह से सोच रहा है कि यार मैं में आया हूं तो वो एक साल की प्रिपरेशन के लिए अपना पैकेज जो है फाइनलाइज कर सकता है एंड दिस न गो फॉर टू इन सब्सक्रिप्शन जैसे ही आर ए लाइव रेफल कोड लगाओगे जो कि परम सत्य है आप इस पेमेंट को नो कॉस्ट ई एम आई मतलब पार्ट बाई पार्ट इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं सिमिलरली जेई प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले नीट का ले यूपीएससी का ले कैट का लें एफ कैट का लें कहीं का भी लेकिन ध्यान रखना लाइव परम सत्य है ऐसा करके जो है आप मुझे अपना लव एंड सपोर्ट जो है गाइस शो कर सकते हैं यूट्यूब पे आपको इन डेप्थ मेरी तरफ से जितना मैं दे सकता था ना इन डेप्थ से डेप्थ में सारी चीजें प्रोवाइड करी है आई फाउंडेशन के लिए जोमेट्रिकल एप्टिक्स एनएससीज की प्ले में मैग्नेटिज्म एनटीसी स्टेज वन की प्लेलिस्ट में तो सारी चीजें आपको गाइस यहां पर अवेलेबल मिल रही है एंड द थिंग द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड प्लस प्लेटफॉर्म इज प्लस प्लेटफॉर्म पे विद मेंटरशिप आपकी प्रिपरेशन होती है जहां स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेडली डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं ठीक है जो है यूट्यूब पे मिसिंग है तो अपना सब्सक्रिप्शन लेके जो है आप अपनी प्रिपरेशन एनहेंस कर सकते हैं ये पांचवा लेक्चर का आज का पांचवा लेक्चर तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है आप कहना चाह रहे हैं कर लेते हैं फिर हम जो है इधर सारा फोकस मारेंगे ठीक है सर आपने बताया था नोट्स कहां से मिलेंगे ए टू जेड अब लिंक नहीं मिल रहा है ठीक है आदित्य ऐसा नहीं है तुम देख नहीं पा रहे हो ठीक से बहुत सारे बच्चे जो है लिंक जो है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं ठीक है तो देखो फिर से तुम्हारी हेल्प के लिए बता देता हूं कितना बेसिक तरीका है यूट्यूब पे जाने का जो लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हो आप जो भी लेक्चर अभी आप पढ़ रहे हो मेरा ठीक है मेरे हर लेक्चर पे जो है आपको यहां पर मिलता है ये ठीक है तो आप लेक्चर पे जाए लेक्चर पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें गाइस देखना कितना आसानी से देख सकते हैं राहुल पंचोली सर स्पोर्ट्स गाइड खत्म लेक्चर जो लेक्चर आप देख रहे हो ना यही लेक्चर में आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो ये मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ये नीचे लिखा हुआ कोर्स गाइड इससे जो करके आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें क्रैश कोर्स वाले के अंदर जो है ठीक है अरे भैया कहां चला गया क्रैश कोर्स ये रहा मुझे लगा कहां गायब हो गया एन क्रैश कोर्स ये रहा तो इस तरह से जो है आप अपना जो है इस्तेमाल करते रहे एंड सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी ठीक है देखो यार किसी भी और सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स है ना एक बहुत अच्छा तरीका बताओ तो तुम्हें तुम उस सब्जेक्ट के टीचर से पूछो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स पूछ रहा है केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे बायोलॉजी पूछ रहा है बायोलॉजी की मैम में बताएगी मेंटल एबिलिटी जय सर कर मैथमेटिक्स प्रशांत सर रहे, अरे इंडिविजुअल टीचर से जाके पूछो अच्छी हेल्प मिलेगी ठीक है एनटीएससी की सर दो मंथ्स में कैसे करें आई मीन आई बोर्ड प्लीज सजेशन ठीक है हमारे साथ फिजिक्स पढ़ लो केमिस्ट्री वाले के साथ केमिस्ट्री बायो के साथ बायो मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स एंड सारी चीजें पढ़ लो दैट्स और कुछ और कुछ जो है डिफिकल्टी की बात नहीं है ठीक है स्कूल का एग्जाम चल रहा है क्या करूं लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा हूं क्या करूं स्कूल का एग्जाम दे लेक्चर की चिंता करना छोड़ दे हमेशा से जो है ना क्लियर कट चीजें अपनी लाइफ में रखो यही तो चीजें ना थोड़ा सा ये कर लूं थोड़ा सा ये कर लूं यही फंसे पड़े हो तुम सब लोग ठीक SST, SST है भूल क्लियर कट लिखो अपनी एस एस टी वाली मैम बताएंगी या फिर जो तुम्हारे स्टेट में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से देखो कहां से एस एस टी आती है उसको पढ़ लो वेरी सिंपल थिंग इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि ये कैसे करूं इसकी कोई अलग सी स्ट्रेटेजी बना दो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अलग से पढ़ो किताब उठाओ पढ़ने बैठ जाओ जहां टीचर की मदद मिल रही वहां टीचर से पढ़ लो जहां नहीं मिल रही वहां खुद से पढ़ लो ठीक है बड़ी सिंपल सी चीज है संकेत में हमेशा बढ़िया रहता हूं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं एंड लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हाइड्रो एंड टाइडल एनर्जी दैट इज द ऑफ द डे ये चीज जो है गच्चो हमको आज पढ़नी है ध्यान से देखना ठीक है मेरा अब सारा ध्यान तुम्हारे साथ यहां पर रहेगा अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित किया जाए चैटबॉक्स जो है सेशन के एंड में देख लेंगे कोई बात करना चाह रहा होगा तो कर लेंगे ठीक है बिल्कुल करेंगे हाइड्रो एनर्जी क्या है फ्लोइंग वॉटर हैविंग ए लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी

हाइड्रो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड बाय स्टोरिंग वाटर इन हाई ऑल्टीट्यूड डैम्स तो हम क्या करते हैं डैम्स को बना देते हैं उसके आगे क्या करते हैं बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं उससे क्या होता है ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है उसकी जो हाइट है इंक्रीज हो जाती है ठीक है इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल का मतलब है जिसको रिन्यू कर सके बार बार यूज कर सके यूज करने से खर्च ना हो जाए खत्म ना हो जाए दैट इज नोन एज रिन्यूएबल ठीक है रिन्यूएबल सोलर एनर्जी इज दर्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी तो गाइस समझो इसको सोलर एनर्जी की वजह से ही हाइड्रो एनर्जी मिल रही है सोलर एनर्जी खेल गया ठीक है सोलर एनर्जी की वजह से ही विंड एनर्जी थी सोलर एनर्जी की वजह से ही हाइड्रो एनर्जी भी है तो सोलर एनर्जी की वजह से ही ये कैसे है समझो गायस हाइड्रो एनर्जी इज यूज टू ग्रिंड क्रॉप टू इरीगेट फील्ड एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स ऑफ वुड फ्रॉम रिमोट एरिया ठीक है तो पानी बहते हुए पानी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं इरीगेशन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉग्स ऑफ वुड्स कर सकते हैं एनर्जी ट्रैप्ड इन फ्लोइंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्ज स्केल एट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन ठीक है तो जो डैम्स होते हैं वहां पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन को बिल्ड करते हैं फ्लोइंग वाटर की एनर्जी से फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी से इसको हार्नेस करते हैं हार्नेस करना प्राप्त करना निकालना इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप निकाल लेते हैं ठीक है डैम्स आर नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हमें क्या करना है अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का जो है यूटिलाइजेशन करना है स्टोर्ड वाटर वाटर को स्टोर करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा तो नदी बहती नहीं रहेगी हमेशा सारी चीजें बहती नहीं रहेंगी उनका फ्लो कम ज्यादा हो सकता है कम ज्यादा फ्लो होगा तो आपको एनर्जी का आउटपुट कम ज्यादा मिल सकता है बट अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं नाउ इट्स इन योर हैंड्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर तो वाटर के फ्लो को आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं समझ में आई होगी ये बात ये देखिए यार कितना बेहतरीन नजारा है कितना बेहतरीन नजारा है मेरा तो मन कर गया कि बारिश वापिस हो जाए ठीक है चलो कोई बात नहीं छोड़ो इस बात को होता है ना, यार ये जो डैम, है ना? ये देखो। डैम का जो है ये दीवार है इस साइड तो पानी भरा हुआ है वॉटर इधर कुछ नहीं है खाली है यहां पर क्या है ना डैम के अंदर ऐसे पाइप्स लगे हुए होते हैं पाइप से आप कह रहे हो हाई वेलोसिटी से वाटर को ऐसे निकालते हैं यहां पर यहां पर क्या होगा जैसे ही पानी से निकले मतलब इस पाइप से पानी निकलेगा यहां टर्बाइन लगी होगी टर्बाइन रोटेट करना चालू होगी रोटेशन ऑफ टर्बाइन स्टार्ट होगा रोटेशन ऑफ टर्बाइन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उससे क्या होगा आगे आप जो है जनरेटर की असेंबली कनेक्ट कर देंगे क्या करेंगे जनरेटर को आगे कनेक्ट कर देंगे एंड सबको पता है जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है ये प्रिंसिपल है इसका ठीक है नेक्स्ट देखिए दिस मूव्स द दर्बाइन जनरेटर टू प्रोड्यूस पार और इलेक्ट्रिसिटी तो इस सहायता से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यहां नीचे जो टर्बाइन लगे हुए होंगे वो फ्लोइंग वाटर की वजह से रैपिडली घूम रहे होंगे एंड उनके रोटेशन की वजह से जनरेटर की जो है जो रेक्टेंगुलर कॉयल है वो रोटेट कर रही होगी उसके रोटेशन से जो है इलेक्ट्रिसिटी गाइज आप प्रोड्यूस कर पाते हैं नेक्स्ट देखो यार ये प्रोसेस समझो दिस इज दीट प्रोसेस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोसेस प्रोसेस क्या है बहुत क्लियर विजुलाइजेशन के साथ यहां दिखाई जा रहा है ठीक है यहां पर हेड हेडपॉन्ड या पानी भरा हुआ है इनटेक पानी जो है बहने लगा बहने लगा बहने लगा इसकी काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज वाई बिकॉज जो भी स्टोर्ड वॉटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू दी ऑफ हाइट हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऐसा बहता 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 आया यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई सो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जीड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर अब क्या है बच्चों देखो यहां पर दिख रहा होगा तुम्हें टर्बाइन ये रहा यहां जादू हो रहा है ठीक है ये टर्बाइन जो है गोल गोल घूम रहा है इसके रोटेशन की वजह से इसके रोटेशन की वजह से ऊपर देखो ये सारी चीजें कनेक्टेड है पूरी असेंबली कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है यहां कहीं ना कहीं जनरेटर छुपा हुआ होगा उसके अंदर जो है रेक्टेंगुलर ब्लेड्स घूमने लगेगी एंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी एंड ये क्या है बाद में जो है बचा हुआ पानी जो है आगे जाता जा रहा है ठीक है यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस कर लिया ट्रांसफॉर्मर लगाया स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने ट्रांसफर कर दी सो दैट इज द दिजुअलाइजेशन इस तरह से आप जो है चीजें समझ सकते हैं ठीक है नाउ एडवांटेज समझते हैं हाइड्रल पावर के कुछ एक दो बच्चे परेशान होते हुए दिख रहे हैं मुझे सर प्लीज इज माय मेन सर आईपीएल इज माय मेन डिस्ट्रेक्शन निश्चल बेटा पढ़ ले तेरा यह भी डिस्ट्रेक्शन है कि तुझे चैट बॉक्स यूज करना है नाइनटी नाइन परसेंट बच्चों का डिस्ट्रेक्शन यूट्यूब की क्लासेस में होता है कि उन्हें चैट बॉक्स में लिखने का मन करता है जिस दिन उसको खत्म कर दोगे ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ का ही है चैट बॉक्स को ऐसा करो एनलार्ज कर दो वीडियो को दिखेगा ही नहीं तो लिखोगे कैसे मस्त पढ़ते रहो मस्त पढ़ते रहो कोई डाउट नहीं आएगा ठीक है बिल्कुल बेसिक से जा रहे हो डाउट आए तो कागज पर लिख लो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एंड में ये सबसे बड़ा है है बच्चों का ठीक जब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा सवा के स्लॉट का क्या होगा मुझे भी नहीं पता जो होगा मैं बता दूंगा पहले पढ़ तो लो यही तो दिक्कत है ना फ्यूचर में इसके बाद क्या होगा ये नहीं पड़ी कि ये हाइड्रल एनर्जी पढ़ लें समझ लें क्वेश्चन कर लें नहीं आगे क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा फिर क्या होगा अगले साल क्या करोगे भाई बूढ़े हो जाओगे तब तो पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे कहां फंस रहे हो तुम इसको पढ़ो इसको पढ़ो बाकी जिंदगी की सारी चीजें भूल जाओ ठीक है यही प्रॉब्लम हो रही है यही सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन है आप सर कितने बजे सोते हो कितने बजे खाते हो क्या करो अरे छोड़ो यार पहले पढ़ तो लो पहले पढ़ तो लो यही प्रॉब्लम है यही फंसे पड़े हैं हम लोग ठीक है पढ़ो ध्यान से पढ़ो एडवांटेज ऑफ हाइड्रल पावर मुझे नहीं पता ऐसा हो के बाद क्या करेंगे पहले पढ़ लेते हैं अपन ठीक है सारे सारे बच्चे ध्यान पूरा हंड्रेड परसेंट यहां फोकस करें चैट बॉक्स जो है कोई मतलब ही नहीं देखने का है ना चलो ध्यान से पढ़ो पहला एडवांटेज प्रोसेस ऑफ हाइड्रल पावर डॉट कॉज एनी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कहीं ना कहीं आप जो है यहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं है नो पॉल्यूशन गाइस कोई पॉल्यूशन नहीं ठीक है देन द मूविंग वॉटर नीडेड फॉर दर्पज इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको वॉटर को मूव कराने का पैसा नहीं देना है आपने बात समझो ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एक जो है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपने डैम क्रिएट कर दिया डैम बना दिया बस वहां खर्चा आपका लगा ऑपरेशनल कॉस्ट वॉटर फ्लोइंग के लिए नहीं है देर इज नो ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर फ्लो ऑफ वाटर इसका कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं कॉस्ट नहीं है ठीक है पाइप बना रखे पाइप में से पानी निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है एक बार ऑपरेशनल कॉस्ट लगा दी मतलब फिक्स कॉस्ट लगा दिया ऑपरेशनल कॉस्ट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे ठीक है वाटर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड ऐसा नहीं होगा कि आपने पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना ली नदी बहती भी आ रही थी मध्य प्रदेश से उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है गांधी सागर डैम बनाया था एंड उसके बाद उन्होंने वहां से जो है एनर्जी हार्नेस कर ली थी हमारे पास आया हमने राजस्थान में राणा प्रताप सागर बनाया जवाहर सागर बनाया कोटा विराज बनाया बट वहां भी इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है ऐसा नहीं है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर दी निकाल ली नहीं इलेक्ट्रिसिटी उस वाटर से बार बार बन सकती energy, Next, है इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड इरीगेशन ठीक है कंस्ट्रक्शन जो है डैम्स का इससे जो है फ्लड्स को आप कंट्रोल कर सकते हो ठीक है बट जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है तो वही डैम कभी फ्लड क्रिएट भी कर देता है ठीक है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ऐसा भी होता है कि डैम की वजह से फ्लड क्रिएट हो गई रेयर सिचुएशन से आए दिन नहीं होती रहती बट डैम की वजह से जनरली बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि आप जो है फ्लड्स को कंट्रोल करते हो बिकॉज इट्स अ रिजर्वेयर जो पानी को कलेक्ट कर सकता है ठीक है एंड इरीगेशन में भी हेल्प करता है लिमिटेशन देखते हैं हाइड्रल पावर की इसकी लिमिटेशन क्या है फर्स्ट मूविंग और फ्लोइंग वाटर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस हर जगह नहीं है ये ज अवेलेबल नियर दी साइड्स ऑफ फ्लोइंग रिवर्स तो ये जो है रिवर्स जहां फ्लो कर रही है तो उसके पास या जहां डैम बनाया है सिर्फ वहीं पर आप यूटिलाइज कर पाएंगे नेक्स्ट टू जनरेट रीजनेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिस इन लार्ज क्वांटिटी आपके पास फास्ट मूविंग वाटर होना चाहिए इसीलिए तो डैम बनाया वरना तो जो है नदी से ही निकाल लेते हैं ऐसा नहीं है तो दैट इज वाई वी है रिवर डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ द रिवर तो डैम बनाने से क्या होता है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो जाता है कैसे जब रिवर फ्लो करती है तो आपने समझा होगा यार वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है सुंदरबन डेल्टा है ठीक है वहां पर जो है बहुत सारी चीजें जो है मिनरल्स जो है रिवर कैरी करती है सैंड के साथ जो ऊपर माउंटेन से आ रहे हैं सारी बातें सब समझी होगी आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा बट यहां क्या हुआ जैसे ही आपने डैम बना दिया वो सारा सेडिमेंटेशन जो सारी चीजें आपने पढ़ी थी वो खत्म हो गया सारा का सारा स्टोरेज तो डैम के अंदर ही हो गया दैट इज द ड्रॉबैक हियर इन द डाउनस्ट्रीम एरिया बिकम पुअर इन क्वालिटी रिच मिनरल्स नहीं पहुंच रहे वहां तक बिकॉज देर वर नो एनुअल फ्लड्स टू डिपोजिट न्यूट्रेंट्स रिच सिल्ट ऑन बैंक ऑफ द रिवर देर फॉर देयर मे बी देर मे बी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है जनरली ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज करती हैं यहां पर बिकॉज यहां पर ये सारी जो चीजें हैं डाउनस्ट्रीम में

वे यू आर वेरी गुड स्मेमर युवराज ठीक है चलो आगे बढ़े चले आगे बढ़े क्या वेरी गुड बेटा स्वास्थ्य पढ़ ले बेटा स्वास्थ्य पढ़ ले जो चीज छोड़ी वहां तो पढ़ ले चलिए लौट के आते हैं जैसे ही हाइड्रो एनर्जी खत्म हुई मैंने भी पानी पी लिया ठीक है तो टाइडल वेव्स और सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है एज ए फेव एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जरा ध्यान से समझो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है इस चीज को विजुअलाइज करो कुछ घूम रहा है यहां पे ये यह ये क्या है टाइडल पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं जरा ये समझते हैं बच्चों सो डेफिनेशन क्या है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वॉटर वाटर सर्फेस राइजेस एंड फॉल्स एंड दी वेव्स आर फॉर्म तो क्या होता है ना जो वेव्स हैं मून के अट्रैक्शन की, की वजह से ऐसा कहते हैं ना कि यार आज जो है समुद्र के अंदर लहरें ज्यादा हैं फुल मून है ठीक है थीके? आज जो है मून नहीं है तो जो लहरें हैं मतलब मून दूसरी साइड है दिख नहीं रहा है दैट इज वाई तो आज लहरें यहां पर कम है ठीक है सो वही बात है वही चर्चा यहां कर रहे हैं हम दीज वेव्स आर कॉल्ड टाइडल वेव्स एंड एंड एनर्जी बाय राइजिंग फॉलिंग वाटर टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी ठीक है तो ये टाइडल एनर्जी है जो फॉलिंग वेव्स एंड राइजिंग वेव्स के अंदर है ठीक है तो वेव्स की वजह से वेव्स की वजह से हमारे पास कौन सी एनर्जी आ रही है टाइडल एनर्जी वेरी सिंपल थिंग टाइड्स की वजह से जो चीज क्रिएट हुई है हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा मेरे दिमाग में भी आया था मैं ज्वालामुखी कहने वाला था इसलिए मैं रुक गया ज्वारा इज द करेक्ट वर्ड इन दी ओशन बिल्ड अप एंड रिसीड राइज एंड फॉल ठीक है

विच कैन बी यूज टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बहुत ज्यादा मूवमेंट है पानी का एक जगह से दूसरे जगह तक इसी इसी प्रोसेस से जो है आप एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं कैसे अभी समझाते हैं ठीक है दिस टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन कैन बी कैन टेक प्लेस इन कोस्टल एरियाज ठीक है बड़ी सिंपल सी बात है जहां पर सी होगा वहीं पर यह चीज प्रोड्यूस कर करी जा सकती है तो कोस्टल एरियाज के अंदर ऐसे होता है ठीक है आप जनरली देख रहे हो इसके अंदर जो है लेवल कम हो गया लो टाइड्स है हाई टाइड्स में जो है पानी बिल्कुल सरफेस तक आने लग जाता है लो टाइड्स के अंदर आपको ऐसे समुद्र के अंदर ऐसे 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 दिखाई देने लग जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे वाह यहां पर इतनी सारी रॉक्स भी हैं वैसे तो दिख नहीं रही थी फिर जब हाई टाइड्स आती हैं तो सारी रॉक्स गायब हो जाती है सब ऐसे गायब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है आगे कुछ है तो बहुत सारी जगह जो है कोस्टल एरियाज में है आपने इस तरह से ये सारी चीजें विजुलाइज करी होगी अब देखो हार्नेस करना समझो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्नेस कैसे कर सकते हैं टाइडल एनर्जी को टाइडल एनर्जी कैन बी हारनेस बाय कंस्ट्रक्टिंग टाइडल बैराज टाइडल डैम ये कैसे बनता है टाइडल डैम देखेंगे अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू दी एंड फिक्सिंग ए टर्बाइन एट दी ओपनिंग ऑफ द बैराज ठीक है तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों देखो ध्यान से ये वॉल है विजुलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट ये वॉल है थोड़ी सी टेढ़ी मेढी है बट समझ सकते हैं ठीक है इस तरह से आपने वॉल बनाई यहां पे ठीक है इस वॉल के अंदर क्या है बीच में आपने एक ऐसा छोटा सा पार्ट दिया ठीक है ये फुल कंप्लीट वॉल है इतने से पार्ट में आपने टर्बाइन लगाया ऐसे होल देके यहां पे ठीक है या फिर एक स्लिट की तरह एज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग हाई टाइड ऑफ दॉटर इन दी सी राइजेस वॉटर फ्लोज इन टू द रिजर्वियर ऑफ टाइडल बैराज आपने क्या बोला जैसे जैसे आप यहां पर बोल रहे हैं कि हाई टाइड हो रही है हाई टाइड मान लो सी का जो लेवल था कुछ यहां पर ऐसा था लेट अस से कि ये लेवल था सी का ये सी सी लेवल लेवल था अब सी लेवल इंक्रीज होने लगा सी का लेवल बढ़ के जो है यहां तक पहुंच गया देखो 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 ये लेवल है था ये राइज हुआ लेवल राइज हुआ लेवल राइज होने से रिजर्वर के अंदर भी सेम लेवल रहेगा पानी का सेम लेवल रहेगा ठीक है तो पानी क्या होगा यहां से अंदर जाने लगेगा ऐसे अंदर जाएगा

नहीं समझ में आई सोर्स ऑफ एनर्जी देर फॉर एन टी एस सी हाँ बेटा मोहन इतनी देर में तू पढ़ लेता इतना लिखने की तो बहुत अच्छा होता लाइफ में ठीक है मोहन अगर एक बार में कोई टीचर ना देखे तो थोड़ा रुक जाएगा करो है ना तो यस ये चीज फोटो में दिखाओ अच्छा पहले तो ये इमेजिनेशन यहां पर क्या चल रहा है यहां पर जो है डैम से जो है आप टाइडल एनर्जी जो है इससे पहले हाइड्रो एनर्जी की ही बात है यहाँ पर हाइड्रो एनर्जी जो है हार्नेस करते हुए दिखाया गया है डैम से ठीक है एंड इसका जो है कोई अद्भुत चित्र हो चित्र हो तो दिखाते हैं ये देखो यार ये देखो इस तरह से विजुलाइज करो ये रहे ये रहे सारे के सारे अब आप इमेजिन कर, कर सकते हैं अब आप इसे बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं अब आप इसे बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं ये देखो पानी जो है भाई पहले लेवल कम था पहले लेवल कम था लेवल बढ़ने लगा लेवल बढ़ने लगा तो ये क्या होगा यार जो आपने सेपरेशन कर रखा होगा सेपरेशन के इस साइड भी तो बढ़ेगा तो ये ऐसे इसको धक्का देगा धक्का देगा धक्का देगा धक्का देगा तो ये घुमाता जाएगा घुमाता जाएगा ये एक दिखाया टाइडल फेंसेस दिखाया टाइडल बैरेज दिखाया ये देखो पानी जो है ये लेवल कम था ये देखो पूरा विजुअलाइजेशन दिख रहा है आपको अब ये देखो इधर से पानी जा रहा है तो ऐसे घूम रहा है हाई टाइड लो टाइड अब देखना ये ये है डैम ये भर गया विजुलाइज करो इस चीज को बस विजुलाइजेशन का, का, का काम है पूरा ठीक है ये टाइडल बैरेजेस हैं ये टाइडल फेंसेज हैं यहां पर ये टाइडल टर्बाइंस ये देखो जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा वाटर फ्लो कर रहा है ऐसा तो इसे रोटेट करता जाएगा तो वाटर जो है इधर उधर फ्लो करेगा तो इसे सी के बैड में भी लगा सकते हो आप बैड पे लगाओगे तो क्या होगा इवेंचुअली अगर वाटर इधर बढ़ रहा है नीचे मतलब तो दूसरी साइड पूरा नीचे बैठ पे नहीं जाना है बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं चले जाना है इस तरह से जो है आपने मैकेनिज्म को सेट किया है कि जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा ये टर्बाइन रोटेट होना चालू हो जाएगी सो आई होप इसे आप इमेजिन कर पा रहे हैं ठीक है क्लैरिटी मिली सर ये धुआं क्यों आता है बेटा कहीं धुआं नहीं है ये ये धुआं नहीं है ये फ्लो है ये धुआं नहीं है ये फ्लो है अबे जल थोड़ी रहा है यार धुआं नहीं है फ्लो है सर ये कॉन्स्टेंट क्यों नहीं हो रहा ये कॉन्स्टेंट इसलिए नहीं हो रहा इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ वाटर इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर ये हमारे हाथ में थोड़ी है ये वो थोड़ी है कि आपने जो है हाइड्रो एनर्जी की तरह जो है डैम के अंदर से पाइप लगा रखी है उस पाइप में से उतना ही पानी निकलेगा ये तो सब नेचुरल है नेचुरल दिस इज नॉट इन योर हैंड्स ठीक है, नैचुरल है। सर वो पिछले वाले फोटो में बोला अबे धुआं नहीं है यार पानी उछल रहा है बेटा पानी उछल रहा है ये ये धुआं नहीं है ये पानी जो है टकरा के जो है इसके स्प्रिंकल्स उछल रहे हैं ठीक है धुआं नहीं है बेटा ठीक है तो ये चीज जो है मैंने आपको समझाई कोई दिक्कत है तो बताओ यार ठीक है वेव है धुआं नहीं है वो जो है यार पानी जैसे ही जमीन पर टकराता है तो वो जो है उछलता तो है ही सही तो दैट इज द स्प्रिंकल ऑफ वाटर इन द एयर ठीक है वो धुआं नहीं था बेटा तो इस तरह से ये चीज हमारी समाप्त हुई नेक्स्ट देखो लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी देखते हैं अपन

फॉल एंड जो वाटर लेवल जो फॉल हो रहा है राइज हो रहा है वो इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में लगाया गया है लांबा ठीक है वेस्ट बंगाल सुंदर यहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बाकी जनरली ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है ठीक है ये बात भी आपने समझी कुछ सवाल जो है छोटे छोटे सवाल जो है आप लोग के लिए लेके आयो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन सर क्या हम पैलेडियम कोर से आर्क आर्किटेक्टर बना सकते हैं देवान अभी जो है फ्यूजन फ्यूजन जब पढ़ाएंगे ना तब तुम्हारी बात को समझेंगे बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है सब बच्चों को स्टिक टू दॉपिक टॉपिक टॉपिक से अगर डेविएट हो गए तो मैं तुम्हें वापस पकड़ के ले आऊंगा वापस टॉपिक पे आ जाएंगे चलिए कुछ सवाल जो है कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक बेसिक सवाल जो है करने की कोशिश करते हैं ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है मैग्नेटिज्म कब ठीक है बेटा लेक्चर जाके अटेंड कर लो एनटीएससी क्रैश कोर्स का उसमें बताया है कल ठीक है तो गाइस ये रहे आप लोग के लिए कुछ सवाल बेसिक बेसिक सवाल पहला सवाल देखो यार सोलर एनर्जी के ऊपर पहला सवाल एक एनटीसी चालीस का मुझे टाइमिंग बिल्कुल नहीं मालूम रक्षित आपको अपने आप बाकी टीचर्स बता देंगे यू कैन कनेक्ट विद अदर टीचर्स आल्सो एनटीएससी लाइक बहुत इजी इजी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सवाल आसान आसान वेरी गुड गाइस ठीक है सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई बना ही रहे हैं हम सोलर सेल्स से ठीक है हीट एनर्जी कर ही रहे हैं सोलर कुकर के अंदर ठीक है ये बताओ यार सोलर एनर्जी से मैकेनिकल कैसे बना रहे हो मैकेनिकल का मुझे कुछ जवाब दो यार ठीक है मैकेनिकल का जवाब देने की कोशिश करो सर सोलर एनर्जी से मैकेनिकल कैसे कर रहे हो बताओ 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 अरे ये तो ठीक है तुमने ए एंड बी को देखा और तुमने बोल दिया डी मार दो मैकेनिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी कैसे ठीक है गाइस इनडायरेक्टली आप बना रहे हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली वेरी गुड यार इनडायरेक्टली जो है आप क्रिएट कर रहे हैं सोलर एनर्जी की वजह से डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी यहां पर नहीं निकाल रहे ठीक है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है सोलर पावर्ड टॉयस ठीक है टर्बाइन ठीक है वेरी गुड सही है आप क्या कह सकते हैं यहां पर कि यार आपने पहले क्या किया सोलर एनर्जी की वजह से तो विंड आई सोलर एनर्जी की वजह से जो है वाटर फ्लो हुआ क्यों क्योंकि अन हीटिंग की वजह से जो है एक जगह ग्लेशियर बना पानी इकट्ठा हुआ एक जगह जो है वो मेल्ट होने लगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर वो वाटर फ्लो हुआ या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार मतलब विंड स्लो होना चालू हुई विंड्स के बाद जो है जैसे ही टर्बाइन रोटेट हुई आपने बोला कि यहां पर आपने एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में हार्डनेस करी डी वॉज दी आंसर दूसरा सवाल देखो बच्चों एनर्जी पोजेस बाय विंड इज विंड के अंदर किस प्रकार की शक्ति है किस प्रकार की ताकत है विंड एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी वेरी गुड यार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एनर्जी पोजेस बाय विंड इज विंड के अंदर कौन सी एनर्जी क्या पोटेंशियल है क्या थर्मल है क्या साउंड एनर्जी है नहीं बिल्कुल नहीं विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ठीक है बेसिक सी बात बेसिक अंडरस्टैंडिंग एन टी का सवाल तीसरा सवाल सोलर सेल कन्वर्ट्स हीट एंड लाइट एनर्जी इंटू किसके अंदर कन्वर्ट करता है हीट एंड लाइट एनर्जी को सोलर सेल सोलर सेल की क्या प्रक्रिया है बेटा रक्षित इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी टाइम ऑलवेज वॉच फर्स्ट टेन मिनट्स ऑफ अ वीडियो पहले टेन मिनट में तेरे को बहुत भयंकर क्लैरिटी मिलेगी वॉच द फर्स्ट टेन मिनट वॉच फर्स्ट टेन मिनट बहुत सिंपल सा आंसर था यार सोलर सेल थालर्ट्स हीट एंड लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर साउंड एंड हीट थोड़ी बना सकता है ठीक है सोलर सेल का काम ही यह है कि उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर बनानी है ठीक है चौथे सवाल पे चलते हैं बच्चों ये चौथा सवाल देखे ये सवाल समझे इनमें से ये सवाल के अंदर अब देखो इसका जवाब दो यार मैं समझना चाहता हूं कितना दे सकें चांद बिल्कुल कर सकते हो बेटा प्रैक्टिस के लिए कोई मना नहीं करेगा चलिए ये सवाल देखिए बिल्कुल बहुत बार लल्लू क्वेश्चन भी आते हैं लड्डू क्वेश्चन भी आते हैं चल ए बी ए बी फंस गए देखो अब ए और बी हर तरह का आंसर आ गया बच्चे लड्डू कह के, के उसे गलत भी कर रहे हैं ऐसा न करो यार सोर्स ऑफ तो एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर Inexhaustible, जो खत्म नहीं हो सकते हैं समाप्त नहीं हो सकते हैं ठीक है थीके? वो कन्वेंशनल नहीं है कन्वेंशनल जो है वो क्या है पेट्रोल डीजल ये सारे जो है कन्वेंशनल बोले गए हैं ठीक है एंड दे आर प्रोड्यूस ये नॉन कन्वेंशनल है पहले लेक्चर को भूल गए हो तुम दे आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स दे आर नॉट कन्वेंशनल दे आर नॉन कन्वेंशनल ए वाले बच्चे गलत हो गए सो बी इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये पांचवा सवाल चूज दोर्स ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे से डिफरेंस है बताओ कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी से डिफरेंट है ठीक है वुड फॉलिंग वाटर विंड इन सबको बच्चों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है ठीक है हालांकि मुझे लगता है कि थोड़े ही टाइम बाद जो है सारे के सारे जो है गवर्नमेंट वाले डिस्कशन करेंगे और बोलेंगे वुड को हटा दो बट अभी तक जो है हर जगह किताबों में यही बोला जाता है वुड इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पेड़ लगाओ फिर पेड़ काट लो ठीक है पर लगाते ही तो नहीं हम लोग यही तो नुकसान हो रहा है ठीक है पेट्रोलियम जो है दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल ठीक है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो ये नॉन रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि इसे यूज कर लिया ना तो बनने में बहुत टाइम लगता है दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं ये रहा सवाल अब ये एक और सवाल ये देखो वैल्यू में फंस जाते हैं बच्चे कि भाई सही वैल्यू क्या है याद रहनी चाहिए सही वैल्यू क्या है याद रहनी चाहिए बताओ यार देखें कितने बच्चे सही बता पाते हैं मैक्सिमम कैन बी अटेंड इन बॉक्स टाइप सोलर कुकर डब्बे वाला काला डब्बा प्लेन मिरर बॉक्स टाइप ठीक है तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग 100 से 140 सौ चालीस यहां पर पूछता है पहुंचता है अगर मैं कॉनकेव वाले का बोलूं तो कॉनकेव का कितना होता है कॉनकेव रिफ्लेक्टर सोलर कुकर उसका भी आंसर बताओ कॉनकेव रिफ्लेक्टर सोलर कुकर इसका बताओ कितना था इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती थी बताओ याद करो इसकी वैल्यू बताओ कितनी है गाइस नहीं यार सब भूल गए क्लास में लिखाया था मैंने सक्षम को याद रहा सक्षम ने सही बताया सिर्फ 1800 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक इतना जो है वैल्यू जो है चला जाता है कॉनकेव की वजह से ठीक है ये चीज जो है क्लास में पढ़ाई थी 18 से 2000 हजार एब्सिल्यूटी कनेक्ट जिन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू बोली इसका मतलब उन्हें क्लास की बात याद रही है चलिए इस नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं ये रहा नेक्स्ट सवाल सातवां सवाल वुड इज ए वुड किस तरह का फ्यूल है वुड किस तरह का फ्यूल है किस प्रकार का फ्यूल है वुड प्राइमरी लिक्विड प्रोसेस्ड सेकेंडरी किस तरह का फ्यूल है वुड बिल्कुल सही बात वुड इज ए प्राइमरी फ्यूल ठीक है लिक्विड तो है ही नहीं प्रोसेस करने का मतलब होता है, किसी भी फ्यूल को निकालने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे प्रोसेसिंग करो जैसे पेट्रोलियम हो गया डी, डी, डीजल हो गया दिस इज आल्सो नॉट ए सेकेंडरी फ्यूल वुड एकदम प्राइमरी प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का मतलब प्राइमरी फ्यूल जो है वुड कहलाया जाता है चलिए एक और सवाल नेक्स्ट सवाल आठवें सवाल पे चलते हैं ये रहा आठवा सवाल अब ये देखो विंड के बारे में क्लास में पढ़ाया था याद रहना चाहिए देखते हैं कितने बच्चे को याद है एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर कितनी स्पीड चाहिए होती है विंड की विंड मिल को घुमाने के लिए ठीक है मैंने उसको उसे क्लास में लिख के बताया था वही क्वेश्चन है ये देखते हैं देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं ये सारे आंसर ऐसे लग रहे हैं कि सर सारे ही सही हो सकते हैं जिसको नहीं पता वो सारे ही सही मार सकता है ठीक है वेरी गुड गाइस मैंने आपको बताया था क्लास में मिनिमम स्पीड ऑफ विंड दैट इज रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया टू रन विंड मिल 12 टू 15 के बीच में मैंने रेंज बताई थी किलोमीटर पर आवर तो ये जो है बी इज द करेक्ट आंसर आप ना तो 10 मारेंगे ना 20 मारेंगे ना 25 फाइव मारेंगे मिनिमम इज ठीक है ट्वेल्व टू फिफ्टीन दैट इज फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर चलिए एक और सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल नौवा सवाल ये रहा अब थोड़ा थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए थोड़ा सा लंबा सवाल ये देखो बच्चों इसको सॉल्व करो देखो सवाल क्या कह रहा है हाइड्रो पावर प्लांट यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर स्टोर्ड एट ए हाइट बाय हाइड्रो एनर्जी ठीक है तो हाइड्रो पावर प्लांट यूटिलाइज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर स्टोर ए हाइट बाई एनर्जी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू कालेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग एंड देन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सही लग रहा है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू हीट एनर्जी अरे ये तो गलत बात है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटेशन एनर्जी गलत बात है देर इज नो इंटरचेंज ऑफ एनर्जी गलत बात है यही सही है बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन ठीक है टर्बाइन घूमता है फिर उसके बाद ये जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर तो इस प्रोसेस से इस प्रक्रिया से हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी मिली क्या ठीक है तो यही सारी चीजें लेके आज एक शॉर्ट लेक्चर के साथ एक शॉर्ट लेक्चर के साथ हम लोग इकट्ठे हुए थे गाइज आगे जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसी तरह से जो है अगले चार से पांच लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा कल वेव्स एंड साउंड समाप्त हो रहा है तो ध्यान रखना परसों से जिसको सर्कुलर मोशन पढ़ना है वो आगे पढ़ सकता है आज इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो रहा है एन क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीजें हो रही हैं यार एक साथ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है ठीक है एंड इसके अलावा जो सुबह वाली क्लास है टेन फोर्टी फाइव वाली वहां पर जो है कल खत्म हो रहा है साउंड एंड वेव्स साउंड एंड वेव्स के बाद वहां पर सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दूंगा सर्कुलर मोशन सिर्फ तीन दिन का टॉपिक होता है दो से तीन दिन में खत्म हो जाता है इतना ही टॉपिक होता है ठीक है मैग्नेटिज्म कब से सर बेटा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा इसके बाद मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म के पांच लेक्चर्स हैं पांच लेक्चर्स की कहानी है ऑलरेडी बता रखा है ये भी ठीक है ये सब शेयर कर रखा है कीप अटेंडिंग द क्लासेस डू अटेंड द क्लासेस सारी चीजें पता चल जाती है ठीक है और बताओ यार ठीक है सर आपने बोला था कि एन टी एस सी एंड आईसीएससी बोर्ड का स्ट्रैटेजी लाओगे देख अतुल्य मैंने एन टी एस सी की स्ट्रैटेजी तो तुम्हें बार बार हर वीडियो में बताई ठीक है कि क्या करो यार क्या करो बड़ी सिंपल सी चीज है तेरह दिसंबर तक जो है सिर्फ एन टी एस सी की प्रिपरेशन करो साथ साथ में जो है हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके टेंथ बोर्ड में जो 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 भी चीजें हैं ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट उन्हें भी साथ साथ में पढ़ते जाओ इन्हें प्लीज मत छोड़ो ठीक है सिर्फ एन की प्रिपरेशन करो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद जो है रिटर्न सब्जेक्टिव अप्रोच जो है सीखना सर जी चार पांच दिनों तक सारी स्टेट के एन फॉर्म निकाल देगी बिल्कुल जितना मेरा अनुमान है ठीक है बारह अक्टूबर से पहले पहले सारे स्टेट्स के एन फॉर्म आ जाने चाहिए बिकॉज फिर भरेंगे कब यार भरने भी तो है बच्चों को ठीक है तो आ जाएंगे बच्चा बिल्कुल आ जाएंगे और बताओ और कोई डाउट है तो बताओ वरना जो है सेशन की समाप्ति करते हैं सो डू लाइक वीडियो लाइक करते रहे सपोर्ट करते रहे आर ए लाइव रेफरल कोड जो है परम सत्य है इसका इस्तेमाल करके फाउंडेशन एन टीसी नीट जेई प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेन परसेंट फी आपकी यहां पे रिड्यूस हो जाती है ठीक है बुई बुई ठीक है सर आपका क्रैश कोर्स हरियाणा एन के लिए भी है ना बिल्कुल बेटा लक्ष्य हरियाणा वाले बच्चे के लिए भी है तभी तो मैंने तुम लोग को जो है कल इतने डेप्थ में ले जाके चीजें सॉल्व करवाई थी इतना प्रैक्टिस करवाया था ठीक है सर ई के लिए क्या करना होता है अब ये क्या है अच्छा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक है यार उसके अंदर कुछ है ना एक बार तुम जो है गूगल पे टाइप करके देखना ई के अंदर पर्टिकुलर रेंज है कि इतना जो है फैमिली इनकम होती है इतनी इनकम के नीचे वाले लोग जो है वीकर सेक्शन में काउंट होते हैं एंड इसके ऊपर वाले जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं है तो तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा सर्च करने पर ठीक है और बताओ यार सर आई सी सी एंड एन टी एस सी का एस एस टी का एक भी वर्ड नहीं मैच करता आईसीएस टी के एस एस में 50 चैप्टर हैं सही में 50 पचास काउंटेड बिल्कुल सही कह रहा है अतुल मैंने सुना है बच्चों ने मुझे बताया है ठीक है सो 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 एस एस टी कैसे करें ठीक है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं तुम लोगों को बताते हैं आईसीएससी के ठीक है हेलो बेटा अतुल ठीक है थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन कुछ और क्वेरीज है तो पूछ लो तुम जैसा कि मैं कहता हूँ सेशन के एंड में बात कर लेंगे वी कैन टॉक नाउ बोलो 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 खत्म करें हो गए अब सब सर वो बताना वो भरना कैसे होता है अरे उसके अंदर क्या होता है ना जहां जहां से ईडब्ल्यू उसके अंदर यार अब कुछ ऐसा होता है कि यार मतलब आपका जो है हर शहर के अंदर यू होती है नगर निगम होता है वो सब तुम्हारे पापा से बोल देना तुम कि ई डब्ल्यू का सर्टिफिकेट चाहिए वो कर देंगे ठीक है पापा बिजी हो तो घर में किसी बड़े को बोल देना वो करवा देंगे सब उनको पता होता है बिहार के एन टी फॉर्म कब आएंगे जैसे ही आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको पहले चले तो पता मुझे बता देना इसलिए बोला कि हिस्ट्री एंड जोग्राफी का कुछ बता दीजिए बाकी सब कर लूंगा ठीक है बेटा पता करता हूँ यार ठीक है किस तरह से क्या कर सकते हैं कुछ गाइड करूंगा उसके बारे में किस स्टेट के एन के फॉर्म आ गए हैं त्रिपुरा का आ गया है जो मैंने जो है बच्चों को बता दिया है छत्तीसगढ़ का आ गया है बाकी का नहीं पता बेटा मुझे अभी युवा फॉर्म कहाँ मिलेगा देखो किसी भी स्टेट का आपको जो है फॉर्म देखना है एन का तो जैसे मान लो यूपी का देखना है तो यूपी एस सी ई आर टी ठीक है एस सी आर टी ये डाल दिया करो ये स्टेट की जो है वेबसाइट होती है हर स्टेट की बिहार का डालना है तो बिहार एस सी आर टी ऐसे करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा बट जैसे ही कोई आएगा तो मैं भी इन्फॉर्म करता हुआ जाऊंगा आप लोग को ठीक है चलिए थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन वापस मिलते हैं शाम को सात पैंतालीस पे एनटीएससी क्रैश कोर्स में बाय गाइस